इस बड़े उद्योग को धीरे धीरे खत्म हो जाना है। अगले कुछ दशकों में दुनिया के जीवाश्म ईंधन उद्योग में बदलाव आएंगे। इसके साथ नौकरी के अवसर और तौर तरीके बदलेंगे, लेकिन जर्मनी का एक इलाका इन बदलावों का सटीक उदाहरण बन सकता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन उत्पादन में सहयोग कर पाया तो मुझे अपने आप पर गर्व होगा। अगर ये रूर में कामयाब नहीं है तो कहीं नहीं होगा। कोयला खदानों और स्टील उत्पादन वाला रूहर इलाका जर्मनी का पावर हाउस होता था। यह इलाका पश्चिमी जर्मनी में नीदरलैंड्स और बेल्जियम की सीमाओं के करीब है। सेशे सोलफेराइन कभी यहाँ की कोयला खदान हुआ करती थी, लेकिन 1980 के दशक में ही काम बंद हो गया था। अब इसे संग्रहालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ टेक कंपनियों का ऑफिस है। यहाँ बदलावों के जरिए चीजें संरक्षित की जा रही हैं। ये बात आप यहाँ अच्छी तरह देख सकते हैं। आप इससे अनुभव लेकर दूसरों को दे सकते हैं। 1960 के दशक से इस इलाके का कोयला काफी महंगा हो चला था, और जैसे जैसे इलाके में कोयले के उत्पादन को बंद करने की योजना बनी, कर्मचारी संगठित हो गए। यूनियन, राजनेता और बिजनेस साथ आए और इलाके में कोयला खनिकों की नौकरियां बचाने के नारे लगने लगे। अगर मेरे पति बेरोजगार हो जाते तब क्या होता? एक छोटी सी आशा का दिया जो हमने जलाया कि एक नंबर दरवाजे पर हम महिलाएं थी जो खत्म होने जा रहा था। जर्मन सरकार ने कोयला कंपनियों में नौकरियों को बचाने के लिए बहुत पैसे बहाए, लेकिन ये समझ आने पर कि कोयले पर भविष्य की मार पड़ेगी, राजनीति ने अपना रास्ता बदल दिया। उसने कर्मचारियों को शिक्षित किया और छोटे कारोबारों को मदद दी। जानकार कहते हैं कि ये प्रक्रिया काम आई, लेकिन ये राजनीतिक प्रयोग 1990 के दशक में बंद करना पड़ा। जर्मनी के एकीकरण के बाद सार्वजनिक पैसे को देश के पूर्वी इलाके में भेजा जाने लगा, जहां निवेश की भारी जरूरत थी। आज तक रूहर इलाका बाकी जर्मनी से पिछड़ा हुआ दिखता है। यहां बेरोजगारी बाकी जर्मनी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज रूहर इलाके में अच्छी रही, शिक्षा और रिसर्च की ओर बढ़ने की इसकी कोशिशों का फल मिल रहा है। पिछले 20 सालों में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और ड्यूइसबर्ग का फ्यूल सेल सेंटर वैज्ञानिकों, बिजनेसों, राजनेताओं और रिसर्चरों को साथ लाया है, क्योंकि रूहर में अब भी बहुत से उद्योग हैं। ये नई तरह की ऊर्जा की खोज में है। हमारी केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। हम इंडस्ट्री के साथ बड़े हुए हैं और इसलिए ये हमारे जीन में बसी हुई है, और हम इस तथ्य को दिल से मानते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है और अब मौका है इस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को पर्यावरण अनुकूल बनाने का। वो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि ये जर्मन इंडस्ट्री और ग्राहकों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन पाए। सलमान फतेह रूहर इलाके में बड़े हुए और वो हमेशा से अक्षय ऊर्जा पर काम करना चाहते थे, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, क्योंकि हम उत्सर्जन मुक्त बिजली के दौर में पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मैं हाइड्रोजन उत्पादन को आगे बढ़ाने का हिस्सा बन सकता हूं, तो मुझे बहुत गर्व होगा। अगले कुछ वर्षों में जर्मनी हाइड्रोजन की ओर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी बहुत सारा बुनियादी ढांचा यहाँ पहले से मौजूद है। इस इलाके को हाइड्रोजन ग्रिड से जोड़ा जाएगा, क्योंकि जर्मनी खुद अपने लिए पर्याप्त हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं कर सकता, तो ये जहाजों से गैस का आयात करेगा। इसके लिए नेटवर्क का निर्माण इस साल शुरू होने की उम्मीद है। अहम निवेशक कौन होंगे ये अभी साफ नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर के लोगों और राजनेताओं में अब भी उत्साह है कि हाइड्रोजन जर्मनी की इंडस्ट्री और रूहर इलाके को बदल कर रख देगी। सच में इस तरह का उत्साह है। इसकी सीधी वजह है कि अगर इसने रूर इलाके में काम नहीं किया तो ये कहीं और काम नहीं करेगा, ना ही यूरोप में और ना ही जर्मनी में। और मुझे लगता है कि इससे जुड़े सारे ही लोग हमारी इस बात को जानते हैं। लेकिन ऐसे बदलावों से सबका फायदा नहीं होगा। हाल में हुए सैलरी से जुड़े एक समझौते में स्टील कर्मचारियों के काम के घंटे और उनकी सैलरी घटी। ये कर्मचारी कोक के साथ काम करते थे जो कोयले से बना होता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि हाइड्रोजन के उभार के साथ नौकरी के हजारों नए मौके बनेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नौकरियां बची रहेंगी जो रूहर में पहले से मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पहले से मौजूद इन इंडस्ट्रियल इलाकों में नौकरियां बढ़ेंगी, बजाय कि सिर्फ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में। जर्मनी अब भी कोयले को खत्म करने की प्रक्रिया में है, और रूहर इलाका 50 साल से चल रही इस प्रक्रिया में अब भी संघर्ष कर रहा है। यहाँ मिले सबक उन इलाकों में काम आ सकते हैं जो कोयले से मुक्त होना चाहते हैं। और अन्य इलाकों में जिस चीज की कमी है वो है इच्छा शक्ति।
ताकत और साथ ही आर्थिक संसाधन, और इनमें बहुत पैसा लगता है। रूहर इलाके में सियासी प्रयोगों पर जो कुल खर्च आया उसका ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये कई अरब यूरो रहा होगा। ऐसे में कोयला उत्पादन छोड़ने की मंशा रखने वाले अन्य इलाकों के लिए क्या रूहर का इलाका मिसाल बन सकता है?